हम सामने वाले के लिविंग स्टैंडर्ड और स्टेटस के हिसाब से ही प्रोफाइल भेजते हैं। अनमैरिड, डाइवोर्स, विडोवर, हर टाइप की आपको प्रोफाइल मिलेगी। इसमें CA, डॉक्टर, प्रोफेसर, IAS, IPS, जज, कमिश्नर, उच्च वर्गीय बिजनेसमैन, मध्यम उच्च वर्गीय, हर टाइप की प्रोफाइल आपको हमारे यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। चाहे 500 करोड़ की भी प्रोफाइल क्यों ना हो, बजट के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से हम उसकी डीपली वेरिफिकेशन करते हैं। जितनी भी शादियाँ कराई है इन्होंने, वो सब अभी तक सफल रही है। मार्केट में कोई भी इंसान काम करे, खासकर मैट्रिमोनियल का, 5 से 6 साल तो आपके प्रैक्टिस के दौरान चले जाते हैं। आप लोगों को जज करने में ही निकल जाते हैं, क्योंकि जो रियल चेहरा होता है अंदरूनी रूप से अलग होता है। कोई भी लड़की गरीब परिवार से है जो हमारी फीस देने में असमर्थ हैं, उनसे किसी प्रकार की पहले बाद में कोई फीस नहीं ली जाती, और शादी के समय 21,000 रुपए का कन्यादान मेरी तरफ से अलग रहता है जी। नमस्कार, मैं दिव्या, और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसको सुनकर आपको भी बेहद खुशी होगी। पहले जब भी शादियां कराई जाती थी तो बड़े बुजुर्ग शादी करवाने जाते थे और वही वो रिश्ता देख लेते थे और बाद में रिश्ते को फाइनल कर देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ज़माना बदलता गया है, लोग एजुकेटेड होते गए हैं, वैसे वैसे लोग, या फिर लड़का और लड़की की बात करें तो वो खुद ही रिश्ता देखते हैं, लड़की को या लड़की को पसंद करते हैं। अब तो लव मैरिज का भी चलन आ चुका है और खुद ही शादी कर लेते हैं। लेकिन बाद में जब शादी हो जाती है तो आप सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और इसी का समाधान निकालने के लिए आज हम आ गए हैं सोनीपत में। सोनीपत में इस वक्त हम लोग सुनील मित्तल मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़े हैं, और इनका ये कहना है कि 13 साल से जितनी भी अभी तक इन्होंने शादियां कराई है वो एक भी असफल नहीं रही है, यानी कि किसी का भी अभी तक डिवोर्स इनकी शादियों द्वारा नहीं कराया गया है। तो एक बार चलेंगे, इनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ इनका कहना है आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देते हैं कि जब भी मैरिज ब्यूरो की बात की जाती है या बड़ी बड़ी मैट्रिमोनियल साइट की बात की जाती है तो फेक जो वर्ड है वो सामने निकल कर आता है। इसी की पुष्टि करने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। ये देखिए, ये जो जगह है ये ककरोई रोड है, नज़दीक रवि धर्म काटा के। आप ही चलता फिरता रोड देख रहे हैं, रोड की दूसरी तरफ सुनील मित्तल मैरिज ब्यूरो है, और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये जो ऑफिस है वो ओपन होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है नीले कलर का, जिसपे लिखा है देश से लेकर विदेश तक भी जो रिश्ते हैं वो कराए जाते हैं। ककरोई रोड है ये, और नज़दीकी रवि धर्म काटा सोनीपत यहाँ पड़ता है। एक बार अंदर चलेंगे, जो मैरिज ब्यूरो है इसमें कितनी सच्चाई है, और जैसी बात करते हैं सुनील मित्तल जी की 13 साल में एक भी अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है, तो यही जानने के लिए एक बार हम चलते हैं और आपको बात करके दिखाएंगे। तो सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनो मैम कैसे हो, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ सर। खास बातचीत करने के लिए सुनील मित्तल जी हमारे साथ हैं, एक बार अभी इनसे जुड़ेंगे कि क्या कैसे ये शादियाँ कराते हैं। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें, थैंक यू मैम, वेलकम आपका। काफी बार सुना भी है सुनील मित्तल जी, जो आपका मैरिज ब्यूरो है, इसके बारे में कि 13 साल में आपने जितने भी शादियां कराई है उसमें से एक भी शादी कहें असफल नहीं रही, यानी कि किसी का भी डिवोर्स नहीं हुआ, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आई। एक्चुअल में जो ये अपना ऑफिस है ये 3 जनवरी 2009 से है, और हम करते क्या हैं, हम सामने वाले की प्रोफाइल के हिसाब से, जिसे जो भी सामने वाले की प्रोफाइल है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका जो स्टेटस है उसी के हिसाब से प्रोफाइल सेंड करते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से प्रोफाइल होती हैं। मेन जो हमारे पास वर्क है मैम वो अग्रवाल, जैन, ब्राह्मण, पंजाबी और जाट, इन्हीं कम्युनिटी के लिए होता है। हमारी जो ऑफिस की टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक की टाइमिंग होती है, और मंडे क्लोज होता है। मैम हम काम कैसे करते हैं, मेन चीज़ होती है, मान लो हमारे पास आपको हर टाइप की प्रोफाइल मिलेगी, उसमें CA, डॉक्टर, प्रोफेसर, IAS, IPS, जज, कमिश्नर, उच्च वर्गीय बिजनेसमैन, मध्यम उच्च वर्गीय, हर टाइप की प्रोफाइल आपको हमारे यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी जी मैम। अक्सर देखा जाता है कि जो मैरिज ब्यूरो होते हैं, जो साइट्स होती है, इस पे लोग भरोसा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो साइट पर जो लोगों के पास प्रोफाइल्स होती है वो फेक प्रोफाइल होती है। इसी के लिए सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो फेक प्रोफाइल का सिस्टम चल रहा है कि लोग शादियों के लिए डालते तो हैं अपनी प्रोफाइल लेकिन जो उसमें लिखा होता है वो सच्चाई नहीं होती, उसका आप कैसे पता करते हैं? तो मैम क्या होता है, आप कोई भी काम करते हो, मेरा 13.5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके दौरान हमें 99% आइडिया लग जाता है।
इब हमारे पास ये लगा लो आप, अब दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ, हमारे पास वैसे ऑल ओवर इंडिया की प्रोफाइल आती हैं, मोस्टली लोग दिल्ली, पीथमपुरा, प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, रोहिणी सेक्टर, मतलब हर टाइप के लोग आते हैं। हम उनकी गाड़ी को देखते हुए, उनके पैसे को देखते हुए कभी जज नहीं करते कि सामने वाला रियल में कैसा है। हमें आज की डेट में मेन चीज़ क्या है, आज की डेट में माँ बाप क्या चाहते हैं, माँ बाप ये चाहते हैं कि हमें जो रिश्ता मिले वो हमारे बच्चे के इक्वल हो, स्टेटस भी मायने रखता है। तो हम बच्चे की पर्सनैलिटी को देखते हुए, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उसकी क्वालिटीज़ को देखते हुए ही प्रोफाइल सेंड करते हैं। हम वीक में 2 बायोडाटा प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आज आपके पास बायोडाटा भेज दिया, लड़की वालों के पास भेजते हैं, दोनों से पूछते हैं यश या नो। अगर दोनों पार्टी की तरफ से यस है तो हम मीटिंग कराते हैं। मीटिंग में जो मेरा स्टाफ है वो 7 विजिट करता है, 7 विजिट करता है। यहाँ तक विवाह में, रोके में भी हम परिवार की तरह साथ रहते हैं। हमारे पास जो बायोडाटा आपको मिलेंगे जी, वो 21 साल की एज से लेके 40 साल के मध्य अनमैरिड, डाइवोर्स, विडोवर, मतलब हर टाइप की आपको प्रोफाइल मिलेगी। उसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, CA, डॉक्टर, प्रोफेसर, IAS, IPS, मध्यम उच्च वर्गीय बिजनेसमैन, हर टाइप की आपको प्रोफाइल मिलेगी। और रही बात आज की डेट में हमारे पास क्यों आते हैं लोग, मेन चीज़ क्या है, हमारे यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल है हम उसकी पूरी वेरिफिकेशन करते हैं, चाहे सामने वाले का स्टेटस, बजट, चाहे 500 करोड़ की भी प्रोफाइल क्यों ना हो, बजट के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से हम उसकी डीपली वेरिफिकेशन करते हैं। आज की डेट में हर इंसान परेशान है, वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो रियल में नहीं होती। हमारा जो काम करने का तरीका होता है ना जी, हम जैसे कोई गुड़िया है अपनी बेटी बहन, उसको बोल के उसकी लैंग्वेज के हिसाब से हम जज कर लेते हैं भी गुड़िया की क्या रिक्वायरमेंट है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलने से नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज से ही जज कर लेता है इंसान, हम उसी हिसाब से लगा लेते हैं। अब जो लेडी स्टाफ है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे से शेयर नहीं होती, सामने वाली पार्टी नहीं करती, तो हम लेडी स्टाफ को बोलते हैं। मीटिंग में भी लेडी स्टाफ को जहाँ जिसकी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से भेजते हैं। हमारे पास मीटिंग रूम भी है, अगर कोई भी लड़की वाला या लड़के वाला, दोनों पार्टी यहाँ मीटिंग रूम में अपने बच्चों को दिखाना चाहें, बात कराना चाहें, वो भी सेवा है, वो भी उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता जी। अब हमारे पास ऐसी सी प्रोफाइल हैं जैसे बिजनेसमैन हैं, वो बोलते हैं सर हमारी रेंटल इनकम 1 से 1.5 करोड़ रुपये ईयरली है, ऑफिस की इनकम 3 से 4 करोड़ रुपये ईयरली है। तो हम बच्चों की जो मैचिंग करते हैं, सबसे मेन बच्चा क्या चाहता है, लड़का लड़की चाहते हैं पर्सनैलिटी, स्टेटस, क्वालिफिकेशन, क्योंकि आज का बच्चा पर्सनैलिटी से और क्वालिफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। जो लड़का जैसी जॉब करता है या लड़की जॉब करती है, उसकी मोस्टली फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो रहती है वो वर्किंग की रहती है, भी लड़का हो वर्किंग जॉब करे, या जैसे या अपना खुद का ऑफिस है उसका, मान लो CA है या गवर्नमेंट सेक्टर से है, तो हम उसी टाइप की ही प्रोफाइल भेजते हैं। सेकंड, हम जो भी आपको प्रोफाइल भेजते हैं, मान लो चंडीगढ़ की प्रोफाइल है, हम उसको जो प्रोफाइल बताएंगे, जैसे लुधियाना है, अंबाला है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट में कुरुक्षेत्र है तो बताएंगे। जैसे कुछ कस्बों की प्रोफाइल हैं, मान लो सपोज करो कोई लड़की गांव से है, उसकी मतलब हर तरह से बिल्कुल वेरिफिकेशन करके, और सामने वाली पार्टी को भी बोलते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे कहने पे ही रिश्ता करो, लड़की वालों को और लड़के वालों को, दोनों पार्टी को बोलते हैं कि आप भी अपनी वेरिफिकेशन खूब करो। अच्छा सर, एक सवाल है कि अभी तक अपने करियर में इतने समय हो गया मुझे, और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस की हैं जिसमें महिला के साथ, पुरुष के साथ शादी के बाद उनको प्रताड़ित किया जाता है, और अक्सर देखा गया है कि जब शादी होती है, तो अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो किया, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि एक महिला की एक लड़के से शादी हो गई, और शादी के समय तक वो कोई नशा नहीं करता था, और शादी के बाद पता चला कि वो नशा करता है और पूरे टाइम नशे में धुत रहता है। तो इसका कैसे पता करेंगे? कोई भी पार्टी है, मान लो कोई दिल्ली से है, बिल्कुल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कोई दिल्ली से है, लोग बोलते हैं दिल्ली की वेरिफिकेशन आसानी से नहीं होती। दिल्ली में मेरे 3000+ रिश्ते मैंने कराए हैं, 3000 दिल्ली के हैं, 3000+ हैं जो ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। अच्छा, आप ये लगा लो, जब हमारे पास 5000+ टोटल रिश्ते हुए हैं, ऐसा कोई गांव, शहर, कस्बा या बड़ा सिटी नहीं है जिसके अंदर गांव में जैसे 20-50 लोग, दिल्ली में हजारों लोग जानते हैं एक दूसरे से, हमें पता लग जाता है। और हमें ये भी पता लग जाता है, मान लो दिल्ली की प्रोफाइल है, आज की डेट में सपोज करो किसी का हार्डवेयर का बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं हार्डवेयर के बिजनेस वाले से, सेम से, वो उसकी बुराई भी नहीं करता और ये भी नहीं चाहता कि इसके बच्चे का रिश्ता हो, ये भी सच्चाई बता रहा हूँ, आज के समाज में मेन समस्या है ये, वो ये भी नहीं चाहता कि इसके बच्चे का रिश्ता हो, हम उसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं। अगर मान लो उसने बोल दिया कि ये लड़का ठीक नहीं है,
हम उसके कहने से नहीं मानते, कम से कम काफ़ी लोगों से पता करते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी जज करते हैं, उसकी वे ऑफ टॉकिंग से भी जज करते हैं। और रही बात, कोई लड़का है मान लो बोलता है कि उसका 50 लाख का पैकेज है या 1 करोड़ का पैकेज है, मान लो गूगल में जॉब कर रहा है, अमेजोन में जॉब कर रहा है, MNC कंपनी में जॉब कर रहा है या नेशनल इंटरनेशनल कंपनी है उनमें जॉब कर रहा है, हम उनसे सैलरी स्टेटमेंट भी ले लेते हैं। मेन चीज़ क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है, कुछ हमारा मेन पॉइंट क्या है, जैसे लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, रिश्ते तो अगर हम बायोडाटा भेजें, डायरेक्ट बात करें, उससे भी बन जाते हैं, उससे क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, उसमें सारा कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब मान लो कोई लड़का है, लड़के का पैकेज 40 लाख का है, अगर हम लड़की वालों को बोल लें कि आप कन्फर्म करो, नहीं हो पाता जी। रीज़न क्या होता है, मान लो कल को वो रिश्ता बन जाता है, कल को बातें चलती हैं, जी आपने तो हमारे से सारा कुछ ले लिया था। अब एक पीतमपुरा की प्रोफाइल की बात बता रहा हूँ मैं, बार बार नाम ले रहा हूँ, एक लड़की वालों के पास हमने बायोडाटा भेज दिया। अच्छा। तो लड़की वाले कहने लगे, मित्तल जी अच्छी प्रोफाइल है, आप रिश्ता मैच्योर कराओ। मैंने लड़के का घर दिखाया, बाहर दिखाया, सारी वेरिफिकेशन कराई, उनको ठीक लगा, सभी कहने लगे जी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आगे बढ़ो। तो मैंने कहा जी, लड़की वालों से पूछा जी आपने वेरिफिकेशन कर ली, कहते जी कर ली हमने, कर ली। तो मैं लड़की वालों के घर पर गया, लड़के वालों के घर पर विजिट किया, विजिट करने के दौरान मुझे कुछ अजीब सा लगा वहाँ पे, मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ फेक है। देखो मुझे लगा कोई जरूर नहीं हो सकता कि वो 100% सत्य हो सकता है, मुझे लगा। तो मैं बाहर निकला, मैंने उनको बोला कि आप बैठो, मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। बाहर निकल कर देखा तो काफ़ी एज के 70-75 साल की एज के एक अंकल जी बैठे थे। मैंने उनसे नमस्कार अपनी देसी लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज यूज़ की जो उसको समझ सकते हैं। तो कहने लगे जी ठीक है, बात हुई मेरी। तो मैंने कहा जी ये फलाने का लड़का ऐसे ऐसे करके बहुत बढ़िया परिवार है जी, ये है वो है, वहाँ अच्छा घर बना रखा है। तो उसने कहा जी ये उसका घर नहीं है, उसके मामा के मकान में रहते हैं। रीजन, लड़के वालों ने बोल रखा है कि अपना मकान है, तो बाद में पता लगा कि उसके मामा का मकान है। वो जिस पड़ोसी से वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो रह रहे हैं 2 साल से 3 साल से, उनको पता नहीं है कुछ भी। दिल्ली में तो खासकर ये नहीं पता कि ऊपर वाले फ्लोर में बैठा कौन है। अगर आप वेरिफिकेशन करोगे, ऊपर वाले के बारे में पता करोगे कौन है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्यों दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना ठीक नहीं होता। हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमने रिश्ते इतने ज़्यादा करा रखे हैं और हमें पता होता है कि सामने वाला इंसान उसके बारे में क्या बोल रहा है। मान लो आप हो, आप किसी इंसान के बारे में मुझे बताओगे, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपके एक्सपीरियंस से जज कर लूँगा कि आप जलन से बता रहे हो या रियल में बता रहे हो। हम एक बंदे के भरोसे कभी नहीं चलते और ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं भेजते जिस पार्टी से आमने सामने बैठ के बात नहीं होती। आमने सामने बैठ के 100% हम नहीं जज कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। 70-80% जज हो सकता है उसके वे ऑफ टॉकिंग से, बात करने के तरीके से, तजुर्बे से। कई चीज़ें हैं, कुछ ऐसे होते हैं पैसे वाले बच्चे हैं, हमारे पास लड़की वाला आता है, कहते हैं मित्तल जी मैं शादी में 1 करोड़ रुपये लगाऊंगा। काफ़ी लोग आते हैं, हम कहते हैं कि आप पैसे को मत देखो, भी बार बार पैसे को मत देखो, आप ये देखो कि क्या लड़का उसके लायक है। हमारे पास कुछ ऐसी प्रोफाइल हैं जिनकी 3-4 करोड़ रुपये रेंटल इनकम है, ऑफिस की इनकम भी है, और बच्चे देखोगे मैम कुछ नहीं है, 0 है वो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं कहता हूँ अपने स्टेटस के हिसाब से लड़के वालों को, खासकर जो भी लड़की का बायोडाटा लो, अपने से 19 लो, 21 मत लो, क्योंकि जो लाइफ में इंजॉय है ना जी जीने का, क्योंकि शादी करनी और घर बसाना दोनों अलग अलग प्रश्न है। आज की डेट में लोग काफ़ी बोलते हैं मित्तल जी कमाल है भी, मेरे पास लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, जम्मू, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं भी। काफ़ी लोगों के दिमाग में ही रहता है, दिल्ली वालों के काफ़ी पहले दिमाग में रहता था, अब तो नहीं कर 8 से 10 साल पहले, कहते जी दिल्ली में तो खूब मैरिज ब्यूरो हैं मित्तल साहब, एक से बड़े से बड़े मैरिज ब्यूरो हैं। मैंने कहा जी वहाँ बड़े से बड़े जरूर हैं, वहाँ पे मैरिज ब्यूरो वाले करते क्या हैं और मेरे यहाँ क्या फ़र्क है, आप उसी को जज करो खाली। वहाँ पे उन्होंने स्टाफ बढ़ा दिया, किसी ने 5 बंदों का, किसी ने 10 बंदों का, किसी ने 50 बंदों का, अपने स्टेटस के हिसाब से। पोस एरिया में ऑफिस खोल लिए, पोस एरिया में ऑफिस खोल लिए, दिखावट उनकी हमारे से कई हज़ार गुना अच्छी होगी। वहाँ पर होता है क्या, स्टाफ काम करता है, कोई लड़की बैठी है उनके ऑफिस में, वो 4 महीने से काम कर रही है, वो आपको कैसे जज करेगी। जो बंदा 4 महीने से 6 महीने से 10 महीने से काम कर रहा है वो जज नहीं करता। मार्केट में कोई भी इंसान काम करे, खासकर मैट्रिमोनियल का, 5 से 6 साल तो आपके प्रैक्टिस के दौरान चले जाते हैं, आप लोगों को जज करने में ही निकल जाते हैं, क्योंकि जो रियल चेहरा होता है अंदरूनी रूप से अलग होता है। तो यानी कि आपसे वो इसीलिए अलग है क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग आप पर भरोसा कैसे करें ये एक बार मैं बताता हूँ। जैसे एक्सपीरियंस उनके पास भी है, मैं ये नहीं कहता कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा जो बाहर बैठे हैं, मैं कोई विशेष नहीं हूँ कि मेरे पास कोई ज़्यादा है। मेरे पास मेन चीज़ क्या रहेगी, मेरे पास वो बैठे हैं वहाँ पे ऑफिस काम करता है, स्टाफ काम करता है, आप मेरे से सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक उनसे कभी भी बात कर सकते हो। अच्छा। मेरे पास मेन पॉइंट ये है, ये नहीं है कि स्टाफ ही काम करेगा,
आप मेरे से कोई भी बात पूछनी है आपको सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक सोमवार को छोड़ के कभी भी पर्सनल डिस्कस कर सकते हो। अच्छा। मैं खाली स्टाफ के भरोसे नहीं बैठा जी। अगर स्टाफ के भरोसे आप काम करते हो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर करो, डायरेक्ट शेयर करो। बस रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप कभी भी फोन करो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। अच्छा, एक बार नंबर भी बता दीजिए अपना। ऐसे जी, हमारे स्टाफ का जो कॉलिंग नंबर है वो 8950331000। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप कभी भी फ़ोन करो इस नंबर पे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक करो। ये मेरा नंबर नहीं है, ये स्टाफ का नंबर है। अच्छा। कभी भी फ़ोन कर सकते हो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। मंडे क्लोज है जी मैम जी, सोमवार की छुट्टी रहती है। अच्छा, एक सवाल और है, शादियाँ बहुत करा चुके हैं, अभी 5000 से भी ज़्यादा तो शादियाँ करा ही चुके होंगे अभी तक अपने करियर में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, मांगलिक का एक बहुत बड़ा इशू आता है। जी जी। कहा जाता है मांगलिक की शादी मांगलिक से ही हो सकती है, किसी और से नहीं कराई जा सकती। तो इसमें आप क्या करते हैं? और एक और सवाल ये है कि मैरिज जो आप करा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम बन जाती है। जो पढ़े लिखे हैं वो तो फिर भी एजुकेशन की वजह से कर भी लेते हैं इंटरकास्ट, लेकिन उनकी मम्मी पापा हैं या फिर जो हमारे लोग हैं, जैसे जो पहले के ज़माने के लोग हैं जो पुरानी की ख्यालों की तरह सोचते हैं, उनका क्या करेंगे अगर उनके घर में किसी की शादी करानी हो तो अदर कास्ट में कैसे कराएंगे? अदर कास्ट का क्या होता है जी, मैं बताता हूँ। सबसे मेन तो हमारा जो वर्क होता है वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अग्रवाल जैन ब्राह्मण पंजाबी और जाट के लिए होता है। अब बात आपकी यही इंटरकास्ट में ज़्यादातर कौन लोग जाते हैं, मेरे हिसाब से दो कैटेगरी जाते हैं। एक तो जैसे IAS है, IPS है, या लड़की है मान लो MBBS MD MS है। पहले तो उन लोग बच्चों की क्वालिफिकेशन, कि उन लोगों को ये लगता है कि अपनी कम्युनिटी में हमें मैचिंग नहीं मिल रही है, इसलिए लोग इंटरकास्ट में जाते हैं। हमारे पास वो नौबत नहीं आती, एक तो भगवान की दया से काम करने के तरीके से हमारे पास प्रोफाइल बहुत अच्छी है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि IAS हो चाहे IPS हो चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, उसको आप उसी कास्ट में करा देते हैं? 99% उसी में होती है। अगर सामने वाला बोलता है कि मुझे इंटरकास्ट में जाना है, अगर सामने वाला बोलता है जी मुझे इंटरकास्ट में जाना है, तो हम जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें अगर दोनों परिवार एग्री हैं तो। रही बात जातिवाद की, जातिवाद का कोई खास मैं फर्क नहीं मानता, पर थोड़ा कल्चर का फर्क होता है। अच्छा, मांगलिक का कैसे बता रहे हैं? मांगलिक का क्या होता है जी, हमारे पास तीन कैटेगरी होती हैं, नॉन मांगलिक, आंशिक मांगलिक और मांगलिक। हम ज़्यादातर जो प्रोफाइल हैं मांगलिक के पास मांगलिक शेयर करते हैं, नॉन मांगलिक के पास नॉन मांगलिक शेयर करते हैं। कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ लड़कियाँ हैं नॉन मांगलिक, और उनके सातवें भाग के कारण कई चीज़ें होती हैं वो मांगलिक से भी हो जाती है, वो कंप्यूटर के हिसाब से ही होती है जी। बाकी हम मतलब मांगलिक के पास मांगलिक और नॉन मांगलिक के पास नॉन मांगलिक, और एज गैप भी ज़्यादा नहीं रखते। हमारी मेन चीज़ ये होती है, हमारे पास मेन चीज़ क्या है, पहले जो रिश्ते होते थे बुजुर्ग तय कर लेते थे, लड़के को भी नहीं देखते थे, घर बार भी नहीं, नाम होता है जी फलाने खानदान का लड़का है, बढ़िया स्टेटस है, तो उसकी प्रॉपर्टी को देख के रिश्ते होते थे। आज की डेट में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ गई है। जहाँ एजुकेशन बढ़ती है, आप कभी नोट करना, आज की डेट में जो लड़कियों का स्तर है वो पहले से बहुत अच्छा है। अब क्या आज की डेट में माँ बाप क्या है, हमारे पास माँ बाप के फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, तो माँ बाप क्या चाहता है, माँ बाप ये चाहता है मित्तल साहब, माँ बाप की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लड़की ऐसी हो या लड़का ऐसा हो कि घर अच्छे से बच जाए, सरदर्दी ना बने, शादी तो हो जाती है अभी, सरदर्दी ना बने, हर आदमी इस चीज़ से चाहता है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। हम उसके लिए बोलते हैं भी कोई भी लड़की है आप उसकी भी रिक्वायरमेंट लो, अपने हिसाब से मत चलो। लड़की है मान लो MBA की है लड़की ने, या IT कंपनी में है, हम उससे पूछते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं स्पेशली बच्चों से भी बात करता हूँ, लड़की से भी बात करता हूँ, लड़के से भी बात करता हूँ भी आप चाहते क्या हो, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं कई बार। हम दोनों से पूछ के उनकी दोनों की मीटिंग कराते हैं, मीटिंग में खुद विजिट करता हूँ, मीटिंग में जाके बच्चों से भी पूछता हूँ कि आपकी साइड से यस है, कोई फोर्स तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है। अच्छा, मतलब लड़की से भी लड़के दोनों वो जरूरी है, वो जरूरी है जी, क्योंकि हमारे पास यहाँ आने का पर्पज ही अलग है लोगों का। रिश्ते के तो लोगों के पास हजारों प्लेटफार्म है, एक से एक बड़े से बड़े VIP प्लेटफार्म है लोगों के पास, जो एक पर्सनल डील करना कि मेरे पास लोग वेटिंग आते हैं जी, बोलते हैं मित्तल जी से ही बात करनी है, 20-20 दिन 15-15 दिन की वेटिंग में भी लोग आते हैं। उनको ये होता है भी देखो आज की डेट में सामने वाले को अच्छे से बात करना, बिल्कुल अच्छे से बात करना बहुत मुश्किल है, हर इंसान नहीं कर पाता, क्योंकि जिस इंसान के पास ज़्यादा तजुर्बा हो जाता है, मच्योर हो जाता है, एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और एक बार नाम फेमस हो जाता है उसके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, हमारे पास वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी। आप कभी भी
जो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल है वो, कभी भी कोई भी आ सकता है सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। प्लीज़ अगर कोई भी मिलना चाहे वो एक दिन पहले या दो दिन पहले इस नंबर से अपॉइंटमेंट ले सकता है, ये मैम का नंबर है। और आपके पास जो भी बायोडाटा जाएंगे वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर जाएंगे। प्लीज़ बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमारा जो काम करने का तरीका है वो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक है और सोमवार की छुट्टी होती है। आप कभी भी फोन करो सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। और कई बार नंबर है वो भी, हाँ दोबारा रिपीट करता हूँ, 8950331000। वैसे तो स्क्रीन पे नंबर आ जाएगा, ये वो आप देख सकते हो। तो आप कभी भी फोन करो, इस टाइम पे करो। और कई बार क्या होता है जी, आप फोन कर रहे हो 7 बजे 8 बजे 9 बजे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो फिक्स है। जैसे मान लो आपने फोन किया तो 15 मिनट के अंदर 20 मिनट के बाद भी बैक कॉल आ जाती है। अच्छा। कई बार मान लो मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किसी पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो आप फोन कर रहे हो, कई बार एक बंदा 10-10, 12-12 फोन कर देता है। करने की जरूरत नहीं, आप एक ही बार करो, क्योंकि हमारी बैक कॉल आपके पास जाने ही जाने हैं। दोबारा एक बार 1 मिनट का टाइम लेके दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो अपना ऑफिस है सुनील मित्तल मैरिज ब्यूरो ककरोई रोड नज़दीक रवि धर्म कांटा सोनीपत अग्रवाल जैन ब्राह्मण पंजाबी जाट कम्युनिटी के लिए है। पूरे भारत में मध्यम उच्च वर्गीय बिजनेसमैन जो वाले जो भी आपको प्रोफाइल चाहिए, हमारे यहाँ पे मांगलिक नॉन मांगलिक हर तरह से उपलब्ध हैं। उसमें हर टाइप की प्रोफाइल होगी, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपको चाहिए। और गरीब परिवार की लड़कियों का बिल्कुल निःशुल्क है, शादी के समय 21,000 रुपये का कन्यादान है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ सुनील मित्तल जी, किस तरीके से इन्होंने बताया जो इनका मैरिज ब्यूरो है। सबसे खास बात इसमें यही है कि जितनी भी शादियां कराई है इन्होंने वो सब अभी तक सफल रही है। तो हर तरीके की शादियां ये कराते हैं, चाहे आप डिवोर्सी हैं, चाहे आप मांगलिक हैं, चाहे आप विडो हैं, उसकी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। देश से लेकर इन्होंने जैसे बताया कि विदेशों में भी अभी तक बहुत सारी शादियां करा चुके हैं। दिल्ली की बात की जाए या बाहर किसी और शहर की बात की जाए, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये शादी कराते हैं। और अभी तक जितने लोगों की भी शादी असफल रही है, जो भी लोग ये वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, उन सबसे यही अपील है कि आप अगर दोबारा रीमैरिज का सोच रहे हैं तो ज़रूर सुनील मित्तल जी से कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर आपको हमारी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, इन्होंने भी आपको बता दिया है। ज़रूर उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अगर आप शादी करना चाहते हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो किसी के लिए लड़की या फिर लड़का देख रहे हैं, तो इनको ज़रूर अपनी प्रोफाइल शेयर करें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इनको शेयर करेंगे तो आपको निराश होकर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो जो भी राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।